ललित तो आपके लिए लेकर आया एक शानदार वीडियो। दोस्तों मैंने एक पहले वीडियो बनाया था तो उसमें कमेंट आई थी, तो मैंने उस कमेंट में देखा उसमें लिख रखा था कि ये जो आपने वीडियो पे पोस्टर लगा रखा है ये आपने कैसे लगाया। फिर मैंने कौन सा पोस्टर, फिर उन्होंने बताया स्क्रीनशॉट करके कि मैंने मतलब इंस्टाग्राम पे आई थी, इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज आया और मेरे को बताया कि स्क्रीनशॉट करके ये पोस्टर। तो फिर मैंने उनको बोला कि उसको पोस्टर है थंबनेल कहते हैं। तो दोस्तों जैसे कि यूट्यूब पर बहुत ऐसे लोग हैं जिनको ये पता नहीं है कि थंबनेल उस जो हम वीडियो के ऊपर लगाते हैं उसको थंबनेल कहते हैं, उनको ये भी नहीं पता कि उसको बोलते क्या है। तो दोस्तों इसीलिए आप टेंशन मत लीजिए, मैंने इसलिए ये वीडियो बनाई है कि आपको मैं बता दूं कि आप थंबनेल जो यूट्यूब की जो थंबनेल रहती है वीडियो के ऊपर हम जो थंबनेल लगाते हैं उस थंबनेल को कैसे ऐड करेंगे, YouTube के अंदर वीडियो डालने के बाद उस थंबनेल को कैसे लगाएंगे, इसके बारे में मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। दोस्तों मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आप मेरे वीडियो को देखते हैं। दोस्तों चलते हैं और देखते हैं कि हम YouTube की वीडियो के ऊपर अपने थंबनेल कैसे ऐड करेंगे। दोस्तों चलते हैं होम स्क्रीन पर देखते हैं। होम स्क्रीन पर दोस्तों अब हम देखेंगे कि दोस्तों हम वीडियो के ऊपर थंबनेल कैसे लगाएंगे। दोस्तों आपको थंबनेल को कैसे लगाना है इस वीडियो में आपको बताना है। दोस्तों अपने जल्द सक्सेस में जल्दी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को देख सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं करना है तो समझ में नहीं आएगा। दोस्तों क्या करना है, आपको जाना है YT स्टूडियो। दोस्तों जैसे आपके मोबाइल में सबने थंबनेल लगाने के लिए कुछ भी देखने के लिए सब्सक्राइब वगैरह तो ये YT स्टूडियो इंस्टॉल किया होगा। तो दोस्तों अब इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दोस्तों ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होता है, आप देख सकते हो। दोस्तों मैं बता दूं कि इंटरफेस होता है। दोस्तों आपको क्या करना है, इस वीडियो को एडिट करना है। आपको यहाँ पर देख सकते थ्री डॉट का ये ऑप्शन देखता है, जिससे आप देख सकते हो आपको जैसे इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर लिख देगा कंटेंट, कंटेंट लिख रखा है। दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना है। माय फर्स्ट तो ब्लॉग मैंने बना रखा है तो ऐसे ही आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा। आपको इस पर थ्री डॉट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एडिट का ऑप्शन देख रखा है तो आपको एडिट पर क्लिक करना है, एडिट वीडियो पर। उसके बाद दोस्तों आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन होता है तो आपको क्या करना है, जैसे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आते हैं जैसे यहाँ पर टाइटल का ये तो ये सब लग रहा है, डिस्क्रिप्शन वगैरह। तो उसमें मैं आपको बता दूँ कि आपको थंबनेल कैसे ऐड करना है। आप देख सकते हो यहाँ पर कोने में पेंसिल का एक ऑप्शन दिखता है, हाँ ये फ्यूचर पेंसिल का, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करना दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर डाउनलोड थंबनेल, जैसे आप थंबनेल इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर चेंज चेंज का ऑप्शन लिखा है, यहाँ पर प्लस करके यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही करोगे तो आप डायरेक्ट सीधा गैलरी में पहुँच जाओगे। तो दोस्तों आप चाहते हो तो आप दोस्तों कौन सी भी आप थंबनेल यहाँ पर लगा सकते हो, आपके मॉल में जितने भी थंबनेल होगी वो दोस्तों आप देख सकते हो। जैसे आपने थंबनेल बना रखी होगी, कोई भी पोस्टर बना रखा होगा तो दोस्तों आप यहाँ से लेकर आप उस पर लगा सकते हो। जैसे दोस्तों मैंने लगा रखा तो मैं इसको क्लिक करूँगा, फिर यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरी थंबनेल आ चुकी है। यहाँ पर डन पे क्लिक कर दूंगा और डन करने के बाद दोस्तों आपको ऐसा इंटरफेस ओपन है। इसके बाद आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेव के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ी देर प्रोसेस होगा। देख सकते हो आपके सामने ऐसे इंटरव्यू होगा और आपकी जो थंबनेल है वो लग चुकी होगी। आप जाकर देखोगे यूट्यूब में जाकर तो आपकी थंबनेल चेंज हो चुकी होगी। तो देख सकते हो कि यहाँ पर थंबनेल चेंज हो चुकी है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।